एंड वेलकम टू श्रेया चैटर्जी ब्लॉग्स। आज हम लोग मैरुम गांव से निकल के जा रहे हैं मुनथान के तरफ। मुनथान और एक ऑफबीट विलेज है कालिंगपोंग डिस्ट्रिक्ट का। ये एक फॉरेस्ट विलेज है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये जगह के बारे में। तो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम श्रेया चैटर्जी ब्लॉग्स में मुनथान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन मुनथान जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं। अभी डेलो के तरफ हम लोग जा रहे हैं, डेलो होके हम लोग जाएंगे मुनथान। तो चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं मुनथान को। आ गए हैं डेलो पार्क में। एक्चुअली मुझे साइट सीइंग जाना पसंद नहीं है, राइट? लेकिन ये वाला जगह मुझे लगता है सबको एक बार आना चाहिए। ब्यूटीफुल बनाया गया है। अभी तक तो मुझे काफ़ी नीट लग रहा है ये जगह। और एक्चुअली ना यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ लग रहा है, एक पेंटिंग के जैसा बनाया गया है पार्क को। लैंडस्केप कैसा है, पेड़ कैसे है, कंप्लीट एक दूर से देखेंगे तो एक पेंटिंग जैसा लग रहा है मुझे। सही, वेल प्लान्ड लग रहा है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आया है डेलो पार्क। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप लोग ये साइड आ रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप बस मेहरुम गाँव आए तो ही यहाँ पे आइए। आप रिशॉब, लाभा, लोले गाँव, कहीं से भी डेलो आ सकते हैं, राइट? तो एक बार डेलो आना शायद बनता है, डेफिनेटली एक बार बनता है। चलिए और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। तो अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, एक बार पैराग्लाइडिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे नहीं करना था, मैं इससे पहले शायद गोवा में ही कर चुकी हूँ दो बार पैराग्लाइडिंग। मुझे यहाँ पे इस बार नहीं करना था, लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। गोल पोस्ट गलत जगह पे है। आप सही थे, गोल पोस्ट गलत था। सही बोला आपने। नेक्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे रख देंगे आपके लिए। गोल।
फाइनली वी हैव रीच्ड मुनथंग. लेकिन मैं सीनियर सिटीज़न को रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो लंबा उतरना है आपको, फिर ऊपर जाते वक्त जो चढ़ना है पैदल, वो सीनियर सिटीज़न के लिए पॉसिबल नहीं है. तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सीनियर सिटीज़न या जिन लोगों को कुछ बैक इंजरी है या पैर में प्रॉब्लम है, उनके लिए डेफिनेटली ये जगह नहीं है. लेकिन जो लोग फिट है, हेल्दी है, वॉक कर सकते हैं, एडवेंचर पसंद है, उनके लिए है ये होम स्टे. जब से आई हूँ, कभी हैमॉक में लेट रही हूँ, कभी इधर उधर दौड़ रही हूँ. एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया. मामा मम्मी अगर आते तो यहाँ पे सच में उनको बहुत पसंद आता. लेकिन मुझे नहीं लगता है उनके लिए पॉसिबल है ये उतरना, उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा. चलिए, बहुत घूम रही हूँ सुबह से, अभी फ्रेश अप होना है, लंच करना है और इस जगह को और बेटर तरीके से एक्सप्लोर करना है. यहाँ पे जब से आई हूँ, इतना खूबसूरत कोई भी जगह कैसे हो सकता है, बार बार यही चल रहा है दिमाग में. मैं और श्रीकांत बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय का ड्रीम था हमारा ऐसा कुछ जगह आना है. बहुत सारे जगह हम जाते हैं, फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं, फॉरेस्ट के साइड में रहते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती एग्जैक्टली. जस्ट फॉरेस्ट के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं. कैसा लग रहा है तुम्हें? ये वो ड्रीम प्लेस जैसा है ना, जैसा सोचे थे? अमेजिंग है, अमेजिंग प्लेस है. मुझे बहुत भूख लग गया है, मैं लंच के लिए अभी ऊपर जा रही हूँ. तो जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा कैसे जाना है ये जगह थोड़ा सा दिखाती हूँ. रोड ऐसा रहेगा ही, क्योंकि ये जगह रेडी किया गया है. इतना डाउन रेडी करना इजी नहीं है. लंच रेडी होने में एक हाफ एन आवर लगेगा, तो इसीलिए हम लोग अभी एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी रहे हैं. एक कॉफ़ी ज़रूरत भी था ना, एंड दे आर सो काइंड. मैं पूछते ही तभी के तभी बोला हाँ हाँ अभी बना के देती हूँ. तो सच में रिसेप्शन भी बहुत अच्छा लगा, जगह भी पसंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं राजा को जितना बार भी थैंक यू बोलूँ ना, कम पड़ जाएगा. ये जगह तुम्हें मिला कैसे? ये जगह हम थोड़ा दिन पहले आया था. अच्छा, एक गेस्ट को लेके ढूंढ के आए थे ना. बहुत ऑफबीट है, मतलब एकदम ही ऑफबीट. अरे लोकल लोग ही तो नहीं बोल पा रहे हैं. बोल पा रहे जगह का नाम. श्रीकांत बहुत कुछ कोशिश कर रहा है समझने का. यहाँ पे आज हम लोग डिनर करेंगे. ये जगह इतना मस्त बनाया गया है ना, ऐसा लग रहा है कैंडल लाइट डिनर का मज़ा आ जाएगा. अच्छा, मैं और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, अगर कुछ प्री वेडिंग शूट करना है ना, मेरे हिसाब से ये जगह मस्त है. क्या बोलते हो? परफेक्ट स्पॉट है. परफेक्ट स्पॉट है. अगर सच में प्री वेडिंग के लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्लान कर सकते हैं. ऑसम प्लेस है, ऑसम.
लंच करने बैठ गए हैं। यहाँ पे एकदम देसी घी दिया गया है हम लोगों को, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घी, दाल और पकोड़ा पहले ट्राई करूँगी, फर्स्ट तो वही खाऊंगी गरम राइस में। तुम्हें थोड़ा सा घी चाहिए? मतलब देसी घी एक अलग ही फील है ना। ये इनका ही बनाया, हुआ है, वही बात हुआ। बंदोबस्त तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, सच में बंदोबस्त बहुत बढ़िया लगा। पूरा प्लेटर है, मतलब होम स्टे फील में ऐसा लग रहा है कि होम स्टे तो है ही, क्योंकि घर का खाना, लेकिन जो रिसेप्शन मिल रहा है वो तो किसी रिसोर्ट से कम नहीं है। सही बोले। तुम खा के बताओ कैसा लग रहा है। देखिए, वेजिटेरियंस को ना खाने में बहुत दिक्कतें आते हैं हर जगह पे, सही तरीके से वेज फूड सर्व नहीं किया जाता है, ये अभी भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन वेजिटेरियन बोले हैं और जितना आइटम इन लोगों ने पेश किया, देख के मज़ा आ गया, देख के पेट भर गया। खाने का क्वालिटी भी बढ़िया है। थोड़ा पकोड़ा लेती हूँ। एक्चुअली पकोड़ा और दाल होने से आधा खाना हो जाता है। आलू चिप्स है, आलू चिप्स, पकोड़ा, एक कंट्री बीन्स का करी है, एक लीफी वेजिटेबल्स है और सलाद है, कर्ड भी है, दही भी है। सो अभी इनका जो राई साग है, लीफी वेजिटेबल्स, वो ट्राई कर रही हूँ। Awesome बनाया। एक्चुअली श्रीकांत का फेवरेट है लीफी वेजिटेबल्स। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, जैसा मुझे चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा। मैं वैसे लीफी वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा खा के। ये बीन्स करी ऑसम है, जस्ट ऑसम है, ट्राई करो, पसंद आएगा। मुझे ना वेजिटेरियन से भी ज़्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आलूटेरियन हूँ। हर चीज़ में मुझे आलू चाहिए। मैं वेजिटेबल्स ना के बराबर खाती हूँ, लेकिन जब भी कुछ जगह पे आती हूँ, वहाँ का लोकल खाना ट्राई करना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे घर में शायद बीन्स दिया तो मैं नहीं खाती, लेकिन यहाँ पे ऑसम है, ऑसम बना है। मैं बीन्स करी ऑसम बोल रही हूँ, मतलब जेन्युइनली वो अच्छा बना है, क्योंकि मैं बीन्स खाने वालों में से नहीं हूँ। बस और एक बीन्स करी खाती हूँ। कौन सा बताओ? कौन सा? बीन्स कोकोनट। हाँ, मेरी मदर इन लॉ एक करी बनाती है बीन्स कोकोनट का, वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं बहुत खाती हूँ। कभी घर में बनाया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बनाती भी मस्त है मम्मी। लंच हो गया है, लंच ऑसम था, मज़ा आ गया लंच करके। अभी थोड़ा सा रूम के तरफ जा रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना है, अभी थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है। दूसरा चीज़ है, यहाँ से अभी निकलने का कुछ इरादा भी नहीं है, कल चेकआउट है हमारा यहाँ से, और ये जगह ही इतना मस्त है। थोड़े देर बाद हम लोग नीचे के तरफ जाएंगे, नीचे थोड़ा सा घूम के आएंगे। तो यही सब आज का प्लान है, और शाम को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ये नीचे जाना और प्रॉपर्टी को घूम के आना, देखते हैं। फिलहाल थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। यहाँ पे मस्त एक हैमॉक है, जहाँ पे मैं लेट के बाड़ाबाड़ी कर रही थी। थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन मुझे झेल लिया इसने, तो यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी मैं।
अभी शाम होने वाला है और फॉरेस्ट में जैसे ही डार्क होना शुरू होता है, हम सबको पता है सिचुएशन कैसा होता है। थोड़े देर पहले तक जो गर्मी लग रहा था मुझे, हल्का धूप था, अभी सडनली ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाले है, कंप्लीट क्लाइमेट चेंज हो गया। किसी ने ऐसा लग रहा है कि ऐसा ढक दिया है फॉरेस्ट को ऊपर से, और स्लोली थोड़ा थोड़ा फॉग दिख रहा है मुझे, वो ग्लूमी वेदर, सनसेट होने वाला है, स्काई का कलर चेंज होना, ये सारे चीज़ें सच में मस्त लग रहा है फॉरेस्ट में। अंधेरा हो जाने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा देखने के लिए या आप लोगों को दिखाने के लिए, तब बस हम सुन सकते हैं अलग अलग कीड़ों का साउंड, जानवर का साउंड। अच्छा, मैं जब यहाँ पे आई थी मुझे करीबन 2 घंटे तक पीकॉक या पीहन का साउंड सुनाई दे रहा था। कहाँ पे है समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि नीचे से आ रहा था ये साउंड। ये कॉटेज का एरिया भी इतना ब्यूटीफुल है ना, जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे ना, एक छोटा सा कुटिया है किसी का, वहाँ पे कोई रहते हैं, सामने छोटा आंगन और पीछे एक छोटा सा कुटिया, तो ऐसा ही एग्जैक्टली है ये। सामने एक स्पेस दिया गया है हमें और पीछे ये छोटा सा कॉटेज है। ऐसा लग रहा है ये बस आपका ही है, आपका टेरिटरी है, यहाँ पे कोई एंटर नहीं करेगा। तो ये फील मुझे सही में बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है अभी तो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है और समर के टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ जगह विज़िट करने का, कहीं ना कहीं जाने का, स्पेशली कुछ कोल्ड का जगह, या तो बहुत ठंड नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, ऐसे जगह जाने का कोशिश करते हैं। पहाड़ से कंपेयर करें तो हम थोड़ा सा लैंड के पास है, इससे थोड़ा ही नीचे रिवर है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ठंड नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। अगर आपको भी वो रहता है ना दिमाग में कि मुझे सारे ऑफबीट प्लेसेस घूम लेना है, जैसे मुझे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, उस जगह पे मुझे कभी मन नहीं करता है हर टाइम रहने का, ऑनेस्टली मन नहीं करता है। लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑफबीट का क्रेज़ जिन लोगों को है उनके लिए ये जगह परफेक्ट है, परफेक्ट। यहाँ पे आपको कैसे आना है, कहाँ पे स्टे करना है, सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। इतना मस्त जगह है और इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट करके रखे हैं, सच में एक दिन शायद बहुत कम पड़ जाएगा इस जगह के लिए। जो भी है, अभी हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिया है, स्नैक्स भी हमारा आ रहा है, तो देखते हैं स्नैक्स में क्या क्या है। भयंकर गर्म है, मैं भी खा रही हूँ चीज पकोड़ा। खाना सही में मस्त है, बहुत टाइम के बाद चीज पकोड़ा खा रही हूँ। मैं एक बार दिखाती हूँ कैसा है। ये जो मेल्ट हुआ वाला चीज़ है ना,
टू गुड है, टू गुड। गुड मॉर्निंग, कल का स्लीप बहुत अच्छा था। अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर जा रही हूँ, काफ़ी ऊपर तक चढ़ना है, सीढ़ी अच्छे से नहीं है, इसीलिए थोड़ा देख देख के केयरफुली चल रही हूँ। मैं अभी तक जितने भी होम स्टे में रही हूँ, ये सही में एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस था। फूड, होस्ट, सब लोग अमेजिंग थे, अमेजिंग। कल रात को विशाल, जो एक्चुअली ये होम स्टे का ओनर है, जो ये होम स्टे को चला रहे हैं, विशाल से बहुत ज़्यादा बात होता है। और विशाल और उनका वाइफ नीतू, दे आर सच अ स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत देर तक यहीं पे बैठे हुए थे डिनर करते हुए। आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं कोलाखाम के तरफ। कोलाखाम और एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं है कोलाखाम जाएंगे या कहीं और जाएंगे। पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद प्लान करेंगे। गरम, हाँ गरम है। राजा पूरी तो आज हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है मसाला पूरी और मटर करी के साथ। टेस्टी है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके हम रेडी है हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुंथंग आपको कैसे आना है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ का जो होस्ट है विशाल, उनका नंबर भी रहेगा, तो आप विशाल को कॉल करके यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। मुझे लगता है ये एक परफेक्ट वीकेंड गेटअवे है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए जगह पे, तब तक स्टे ट्यून्ड।